दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू नो इज वॉट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं? एक्चुअली वॉट हैपन, केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट अट्रैक्शन फोर्स. अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स विच टू और मोर एटम्स और आयन्स और स्पीसीज विच होल्ड देम टूगेदर. यानी वो फोर्स जो कि एटम्स को, आयन्स को, स्पीसीज को आपस में होल्ड करके रखती है किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयनिक स्पीसीज में, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. इट इज अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड द, लेट्स सी, इट इज अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड, विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मीन्स एटम भी हो सकता है वो, आयंस भी हो सकता है, एंड एनी पार्टिकल्स. पार्टिकल तो लिखा ही हमने, और स्पीसीज भी हो सकती है, स्पीसीज, ठीक है. यानी वी कैन सी दैट इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स, एक तरह की अट्रैक्शन फोर्स है विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, है ना. पार्टिकल्स इन डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज, ठीक है. तो एटम्स को, आयन्स को और स्पीसीज को, आयनिक स्पीसीज जो होती है उनको होल्ड करने वाली जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. अब केमिकल बॉन्ड जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इसको अपन दो सिंपली क्लासिफिकेशन अगर हम करें केमिकल बॉन्ड का, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. केमिकल बॉन्ड, सम ऑफ द बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सम ऑफ द बॉन्ड्स आर वेरी वीक. सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड. कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच आर स्ट्रॉन्ग. ओके, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में. देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज, अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें, या इट इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, यस इट इज स्ट्रॉन्ग. सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, नंबर थ्री इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड. एंड नंबर फोर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वी विल स्टडी ऑल दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन दिस चैप्टर, बट रिमेंबर दीज थिंग, दीज आर द फोर बॉन्ड विच आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये चारों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिकली इनको कंसिडर किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग है, बट दे आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग. इनमें भी क्या वेरिएशन होता है कि एक कम स्ट्रॉन्ग है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, इट्स नॉट सो. अगर वीक होता तो डायमंड बहुत ही सॉफ्ट होता. एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई डायमंड इज अ वेरी यू नो हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि डायमंड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, तो आगे देखें आप. इफ वी टॉक अबाउट द वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड में हम दो बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं. वन ऑफ द बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, एंड सेकेंड वन इज वांडरवॉल, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स. दिस इज ऑल्सो अ बॉन्ड, बट रिमेंबर वन थिंग, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इज मोस्टली फाउंड इन गैसेस. ठीक है, ये मोस्टली गैसेस के अंदर देखने को मिलता है. इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज मोस्टली फाउंड इन लिक्विड. ठीक है, ये मोस्टली लिक्विड के अंदर देखने को मिलता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड मोस्टली आपको जहां देखने को मिलेंगे वो मोस्टली सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर सॉलिड. ठीक है, जिनके अंदर ये आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे, बट वन बाय वन वी विल स्टडी देम. इनको हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट.
फिर हम इनके बारे में डिटेल के अंदर बात करते हैं, ठीक है। चलिए चले आगे। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अच्छा वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस हियर, एक चीज पर और फोकस कर रहा हूँ आपको कि एक्चुअली ये वाले जो बॉन्ड है, ठीक है, हियर इन बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड मोस्टली कंसिडर किए जाते हैं इंटर एटोमिक। इंटर एटोमिक का मतलब क्या है? दीज आर इंटर एटोमिक बॉन्ड, मीन्स दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन एटम एटम, एटम्स के बीच में मोस्टली देखने को मिलते हैं। बट दीज टाइप ऑफ बॉन्ड, वीक बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स, दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर इंटर मॉलिक्यूलर मीन्स दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर मोस्टली फाउंड इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलते हैं और ये एटम्स के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग, एक चीज और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर इनके अंदर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो लेट्स सी, या कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली देर आर टू रीजन, वन ऑफ द रीजन यू मैंशन किया, एक रीजन तो आपने बता दिया कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का होता है टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, टू गेन द स्टेबिलिटी। एंड सेकेंड जो होता है, देखो स्टेबिलिटी गेन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर ले और दूसरा तरीका होता है कि अपनी एनर्जी को कम कर ले, ठीक है। देर आर टू वेज बाई विच स्टेबिलिटी कैन बी गेन। तो एक तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन इज डन बाय एलिमेंट ड्यू टू मीन फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी को ऑप्टेन करने के लिए ऐसा करते हैं वो। बट स्टेबिलिटी कितने तरह से ऑप्टेन की जा सकती है, तो ये चीज ध्यान रखें, स्टेबिलिटी कैन बी ऑप्टेन बाय टू वेज दो तरह से स्टेबिलिटी को गेन किया जा सकता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है स्टेबिलिटी को गेन करने का, द फर्स्ट मेथड टू गेन स्टेबिलिटी इज, पहला मेथड है टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना। अगर कोई एलिमेंट इसका अचीव कर लेता है तो हम मानते हैं कि उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका आउटर मोस्ट शेल जो है इट इज फुली फिल्ड, वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, एंड ड्यू टू फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल दे आर लेस टेन टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, क्योंकि वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, द एलिमेंट ऑल्सो डू द सेम, दे आइदर रिलीज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू गेन द स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं या फिर गेन करते हैं। तो यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, जैसे टू इसकी अचीव स्टेबिलिटी, तो यहां लिख सकते हैं अपन फॉर इट एलिमेंट आइदर गेन और रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, जैसे अपन ने कहा कि देर आर टू वेज बाई विच दे कैन गेट द स्टेबिलिटी, एंड द सेकेंड मेथड ये कि जब वो एलिमेंट एक दूसरे के पास आते हैं और आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो व्हाट हैपन, दे टेंड टू गेट द मिनिमम एनर्जी, अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें हम लिख सकते हैं टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. सो हियर वी कैन राइट टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. ओके, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने की टेंडेंसी रखते हैं इसके लिए. तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं इस चीज को आप? एक्चुअली व्हाट हैपन्स, सपोज वी आर कंसिडरिंग टू एटम्स, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एटम एंड दिस इज अनदर एटम एंड वी हैव ड्रॉन द न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ. सो व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, लेट्स सी. व्हेन टू एलिमेंट और टू एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर विल बी टू टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम. वन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एलिमेंट एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट. ओके, दिस फोर्स टेंड टू मूव द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पार्टिकल विल ट्राई टू कम क्लोज एंड टू फॉर्म बॉन्ड. एंड द अनदर फोर्स इज द रिपल्शन फोर्स. अनदर फोर्स इज द रिपल्शन फोर्स बिटवीन रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन प्रोटोन. तो यहां ये वाली फोर्स जो है ये रिपल्शन फोर्स है. रिपल्शन फोर्स, ओके, दिस इज ऑल्सो रिपल्शन फोर्स एंड इन द सेंटर यहां जो दिख रहा है हमें ये अट्रैक्शन फोर्स है. दिस इज अट्रैक्शन फोर्स. तो यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि वेन टू एलिमेंट अप्रोचेस ईच अदर, दो एलिमेंट एक दूसरे के पास आते हैं, इट इज ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, देन रिपल्शन फोर्स. बट वंस कंडीशन इज रीच्ड वेयर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स बोथ बिकम इक्वल, दोनों बराबर हो जाती हैं, तो उस समय वो स्टेबल हो जाता है. एक्चुअली क्या होता है, जब दो एलिमेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों पास आ रहे हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. याद रखना, दे रिलीज देयर एनर्जी टू गेन द स्टेबिलिटी. और केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल है, एलिमेंट हैविंग लेस एनर्जी और एनी स्पीसीज हैविंग लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल, हैविंग ग्रेटर एनर्जी इज लेस स्टेबल. तो जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अपनी एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं. बट फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों फोर्स इक्वल होने के बाद में वो स्टेबल हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा. अब क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है, वो स्टेबल हो गया है, तो इस तरह से वो बॉन्डिंग कर लेता है और आपस में कंबाइन हो जाते हैं. तो देर आर टू वेज या देर आर टू रीजंस व्हाई दे कंबाइन टू ईच अदर. फर्स्ट, टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सेकेंड इज टू डिक्रीज इट्स एनर्जी टू गेट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी गेट करने के लिए अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, इफ यू नीड इट, अगर जरूरी है तो ले लें. चलिए अब आगे चलें. And whatever we are going to study further, we need to know the Lewis concept of electronic configuration. Actually, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, Lewis approach of chemical bonding. ये देखते हैं एक बार. Lewis approach of chemical bonding. So, as I said right now, जैसा मैंने अभी कहा आपको, तो इससे मैंने कहा कि एलिमेंट ट्राई टू यू नो फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. तो हम उसको लुईस के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें लुईस जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर से शो करता है, ठीक है, और उनके बीच में किस तरह से वो अपना ऑपरेट कंप्लीट करते हैं उससे कुछ एग्जांपल लेता है. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन 10th स्टैंडर्ड, हमने इसको 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है, किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लुईस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन by dot, ठीक है, उनको डॉट से शो किया जाता है, ठीक है, और
whenever any element, you know, they form covalent bond or ionic bond, so there is an exchange of electrons in form of dot. Dot की form में electrons का exchange करते हैं to get its octet, to complete its octet. ठीक है, so these dots express the bond pair while forming bond between two atoms. ठीक है, देखिए किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, हम वॉटर की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इन केस ऑफ वॉटर वी नो दैट ऑक्सीजन विच कम्स एट 8 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p4. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, पहले हम इसे ऐसे लिखते थे 10th स्टैंडर्ड में 2 and 6, इट वॉज रिटन एस, ऐसे लिखा जाता था बिकॉज वैलेंस शेल जो है आपके पास सेकेंड शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एंड इन इनर शेल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन. सो नाउ वी कैन सी दैट हियर वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन. ओके, सो दीज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन लाइक दिस ऑक्सीजन एंड दीज आर द 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये 6 डॉट से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस कर दिया. एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सो हियर वी कैन सी हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 1s1, दैट मीन्स हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. सो हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन लाइक दिस, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा सकता है. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, ऑक्सीजन जो है इट इज इट्स नियर नोबल गैस इज नियॉन. ऑक्सीजन के पास वाली जो नियर नोबल गैस है वो नियॉन है विच कम्स एट 10. ठीक है, तो इट विल ट्राई टू अचीव द नियॉन गैस कॉन्फिग्रेशन, ये नियॉन का कॉन्फिग्रेशन अचीव करने की कोशिश करेगा. तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा. बट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन की नियरेस्ट गैस कौन सी है, द नियरेस्ट गैस ऑफ हाइड्रोजन इज हीलियम विच कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. तो हीलियम क्या करेगा, हीलियम विल ट्राई टू कंप्लीट इट 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ये आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हैज कंप्लीटेड हिज 2 इलेक्ट्रॉन. बट सिमिलरली ऑक्सीजन विल ऑल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन एंड इट विल कंप्लीट इट 8 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा. तो यहां पर इन्होंने अपना ऑक्टेट और डुप्लेट, हाइड्रोजन के लिए हम इसे डुप्लेट बोलेंगे और ऑक्सीजन के लिए इसको हम ऑक्टेट कहेंगे, इन्होंने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अब इसी तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स में भी देख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन सी इन आयनिक कंपाउंड लाइक, जैसे सपोज फॉर्मेशन ऑफ NaCl. यस बोलिए, हाँ नो प्रॉब्लम. बट लुईस ने जो है वो डॉट स्ट्रक्चरी दिया था, बट इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस विद क्रॉस. एक्चुअली उसका रीजन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना उनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें ना, कि हम ये बताना चाहेंगे ये हाइड्रोजन के हैं ये ऑक्सीजन के हैं, वो मिक्सअप नहीं हो, तो दैट्स वाई क्रॉस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूज, है ना, उसका यूज कर लिया जाता है. तो लेट्स सी, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो मैं अब डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि इन सोडियम वी नो दैट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सोडियम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिग्रेशन है क्लोरीन का दैट इज 2, 8 and 7. ठीक है, सो नाउ वी नो दैट इसका अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखता हूं तो इट इज 2, 8, 1. ओके, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 2, 8, 7. That means chlorine require 1 electron. So what will happen? Sodium will give 1 electron to chlorine and will change into sodium plus ion and chlorine will change into negative ion. But in this process,
इन दिस प्रोसेस दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। इस प्रोसेस में इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आ गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आई थिंक इट इज क्लियर दैट हाउ दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ओके, अपना ऑक्टेट ये किस तरह से कंप्लीट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बट यू नो देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल वेयर एलिमेंट आफ्टर बिकमिंग द कंपाउंड देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। उन्होंने कंपाउंड की फॉर्मेशन भी कर ली है बट देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, लेकिन उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको एक बार। यस, तो उसको भी रफ कर दें। तो हियर हम यहां क्या कह सकते हैं इसको, दिस कैन बी द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ओके। ऑक्टेट रूल तो पता है ना बेटा आपको, और इफ वी टॉक अबाउट ऑक्टेट रूल तो एक बार बताई देते हैं, फिर इसका एक्सेप्शन देख लेंगे। ऑक्टेट रूल क्या था कि वाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड, वाइल फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल लिखूंगा, ठीक है, मॉलिक्यूल एंड एटम ट्राइज टू कंप्लीट एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल एट इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, और इसके अंदर लेकिन ब्रैकेट में लिख दें इन केस ऑफ जस्ट अ मिनट, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लिथियम इट कंप्लीट डुप्लेट, ठीक है। यस, क्या कह रहे थे बोलिए बेटा, व्हाट वर यू सेइंग, कुछ कह रहे थे, नो, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो दिस इज ऑक्टेट रूल। तो हमने कहा कि ये अपने वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं टू गेट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। यू नो समवेयर इन अ कंपाउंड यू विल सी दैट द ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट बट स्टिल द कंपाउंड इज स्टेबल। तो कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है आपके पास में, दैट इज फर्स्ट एक्सेप्शन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का एक्सपेंशन में क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि इफ सेंट्रल एटम ट्राई टू कंबाइन द अदर एलिमेंट इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं, वाटर में देख सकते हैं, बट समवेयर यू विल आल्सो सी दैट द एलिमेंट हैज मोर देन एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, एट इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, वहां ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन एट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के पास मोर देन एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में अगर आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी एग्जाम्पल इन विच देयर इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का जहां एक्सपेंशन हो रहा है, कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल, नो, चलिए हम देखते हैं। ओके, या ग्रेट, वेरी गुड, PCl5 और PF5 भी कह सकते हैं आप, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी समझाएंगे कि SF6 या इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टेट रूल, एंड HE H2SO4 या H2SO4 इज ऑल्सो एग्जाम्पल,
तो लेट सी स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल, वन और टू एग्जाम्पल। अगर मैं बात करता हूँ पीसीएल फाइव की, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल फाइव, सी एल सी एल सी एल सी एल एंड सी एल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल फाइव। इन पीसीएल फाइव वी नो दैट ईच बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप देख सकते हैं देर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन पी एंड सी एल, देर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, देर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, देर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। तो आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं, वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो यहाँ पर बॉन्डिंग करने के बाद इसके बाद टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का एक्सपेंशन है। वी कैन हैव अनदर एग्जाम्पल सच एज एस एफ सिक्स, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस एफ सिक्स, एफ 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 एंड एफ। अब होना क्या चाहिए, जब सल्फर ने फ्लोरीन से बॉन्डिंग की थी, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सेंट्रल एटम इज फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, इट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट यहाँ ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये ऑक्टेट से भी आगे बढ़ गया, ठीक है ना। देखिए लाइक दिस, दिस इज देर आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आर द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल का क्या एक्सेप्शन है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है आपको, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं सेकेंड एक्सेप्शन की ओर। चलिए एंड द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि यहाँ ऑक्टेट रूल का सॉरी एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जहां पर ऑक्टेट रूल जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे भी कम आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाए, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, तो सेकेंड एक्सेप्शन इज इनकम्प्लीट कम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। सो सम कंपाउंड, इन सम कंपाउंड सेंट्रल एटम यू नो हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल द कंपाउंड इज स्टेबल, फिर भी वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल रहता है, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, या आप लिख देते हैं अपन, यस सेंट्रल एटम, जस्ट कर सेंट्रल एटम हैज, इफ सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, BF3, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल, ठीक है, AlCl3 वी कैन टेक, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ऑल इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोज BeCl2 यू विल फील दैट बेरिलियम इज फॉर्मिंग ओनली 2 बॉन्ड, एंड हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस बॉन्ड, सो देर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। If we take example of aluminium, AlCl3, so in AlCl3 you can see Al, Cl and Cl. So there are 3 Cl's. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total number of electron in valence shell is 6 electron after bonding. जबकि bonding के बाद में तो total electron कितना होना चाहिए? Bonding के बाद total electron 8 होना चाहिए, but यहाँ पर 8 से कम है. So these are the एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, स्टिल दे आर स्टेबल, फिर भी ये स्टेबल है, आप देखने को मिलेगा आपको। अच्छा एक चीज और बताइए इसमें आपको, एज वी नो दैट दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो इनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, दे एक्वायर अ टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने की इनमें टेंडेंसी आ जाती है, और वो जो टेंडेंसी होती है ना उन्हें हम कहते हैं कि उसी की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट टेंडेंसी These compounds are called Lewis acid, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं अपनी चीज को, ड्यू टू
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की कमी है इनमें, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दीज कंपाउंड कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे बिहेव बिहेव एज लुइस लुइस एसिड। ध्यान रखना बेटा, लुइस एसिड किसको कहते हैं? लुइस एसिड उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि जिनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेट दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है एंड दे आर दे बिहेव लाइक अ लुइस एसिड। और इसी तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि फिर लुइस बेस कौन हो सकता है? इफ दे आर लुइस एसिड तो लुइस बेस कौन होगा? लुइस बेस वो, यस, या जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, या जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एग्जांपल जो हमने इससे जस्ट पहले देखा था है ना, जिसमें हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसमें देखा सम एलिमेंट सम कंपाउंड हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे PCl5 है, ठीक है, SF6 है, सो दे कैन बिहेव एज लुइस बेस, वो लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लुइस एसिड लुइस बेस को अपन इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चले, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, थर्ड टाइप। सम कंपाउंड हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड नंबर में मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, वो भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। सो नंबर थ्री, कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है सपोज जैसे 3, 5, 7, 9 सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, तो वो ऑक्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑक्टेट के लिए तो इवन नंबर होना भी जरूरी है, ठीक है। तो वी कैन हैव एग्जाम्पल यहां लिख सकते हैं, या वी कैन टेक एन एग्जाम्पल NO2, NNO। सो इन दीज एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, सो यू विल सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक है। इन NO2 यू विल सी दैट दिस नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली टोटल वी नो दैट नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां आपको टोटल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब दे देता हूं। देखिए हाउ डज इट हैपन, एक्चुअली इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p1, दिस इज द सॉरी 2p3, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो हियर वी कैन सी टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आर हियर, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं है ना, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग करेंगे, तो टू ऑफ द नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन दिस बॉन्ड, यहां पर है, ठीक है, एंड टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना ये जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड ऑल 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड इज गिवन बाय दिस नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड हियर, यहां 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स देखता हूं नाइट्रोजन के, तो और अगर ऑक्सीजन के भी काउंट कर लेता हूं मैं यहां पर, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पर, आप देखो पूरे 4+1+2 टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है ना, इट इज एन ऑड नंबर। तो सिमिलरली आप यहां नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में देख सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में भी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद यहां नाइट्रोजन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। टू ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन आर प्लेस हियर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में काम में आता है, 1 यहां काम में आता है। तो इस तरह से इसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर अरेंज लाइक, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड रहता है, तो ये इस वजह से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल टू एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसका एक्सेप्शन है, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ओके। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है विच वी आर गोइंग टू स्टडी
आर द आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में रिव्यू ले लेते हैं अपन, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो लेट्स टॉक अबाउट आयनिक आयनिक कंपाउंड पर कंपाउंड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी आयनिक कंपाउंड इन डिटेल, बट फर्स्ट कैन वी डिफाइन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एक्चुअली एक और चीज बता दें, आयनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। या व्हाट हैपन्स, यू आर राइट, एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन एन एनी एलिमेंट एनी मेटल रिलीज इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इनटू मेटल एंड एनी नॉन मेटल गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम इनटू नेगेटिव आयन एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड दे बाइंड विद ईच अदर। दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, डोंट लीव।